गाइस स्टोरी ऑफ मैगी ब्लॉग। और मैगी को देखिए, ये अनन्या की चप्पल लेके घूम रही है। ये भाई है वंशु, ये दीदी है, पर ये दीदी की लड़की है अनन्या। और मैगी इसी की चप्पल लेके घूम रही है, उसकी चप्पल उसको दे नहीं रही है। वो बार बार उसकी चप्पल ले लेती है, उसके पीछे घूम लेती है, बार बार उसकी चप्पल ले। अब दीदी को देखो, अब दीदी की संग खेलने लगी। दीदी उसको घुमा रही है इधर से उधर, उधर से उधर, और वो भी दीदी के पीछे घूम रही है, पर वो चप्पल नहीं छोड़ रही है। वो अनन्या की चप्पल मुँह में लेकर और घूम ही जा रही है, वो इधर से उधर, उधर से इधर वो दीदी करती जा रही है, उनके पीछे वो चलती जा रही है, पर अनन्या की चप्पल नहीं दे रही। अब देखो, दीदी के पीछे इतनी तेज भागेगी पर चप्पल नहीं देगी अनन्या की वो। और वो चप्पल लेके पता नहीं कहाँ पर तो पूरे में घूमती रही, वंशु के पीछे घूमती रही। देखो वो कैसे भाग रही है वंशु के पीछे, और ये लोग ऐसे ही छत पर करते रहे, पर उसने चप्पल नहीं दी अनन्या को। देखो वो एक चप्पल पहन के घूम रही है, और वो देखो अनन्या की चप्पल ही नहीं दे रही है। वो बहुत टाइम हो गया वो घूम ली, और देखो वंशु के संग, वंशु उसको कह रहा है कि दे दे चप्पल, दे दे, उसको कह रहा है कि अरे दे अब इधर से दे उधर, पर उसको नहीं देनी है उसकी चप्पल। वो अपने मुंह में ऐसे लेकर बैठी है कि हाय नहीं, ये तो अब मेरी चप्पल है, मैं नहीं दूंगी अब किसी को, ये मेरे पास है, मैं ही अपने पास रखूंगी, अब मैं किसी को नहीं दूंगी। और उसने ये चप्पल दी नहीं, वो पूरी छत पर लेके घूम ली, पर उसने चप्पल नहीं दी किसी को। वो इधर से उधर, अब वंशु डंडा लेके आते हैं, अब तो देगी बच रहेगी। वंशु भी कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगा डंडा लेके, देखता हूँ मैं किधर भागेगी, मेरे को चप्पल दे। और वो पूरे में भाग रही है, और वंशु भी उसके पीछे पीछे ऐसे भाग रहा है कि नहीं अब तो दे, अब तो दे, पर नहीं। वो कहती है कि मैं किसी से कम नहीं, और उसने चप्पल एंड टाइम तक भी नहीं देगी। और फिर वो पूरे में वंशु उसके पीछे कह रहा है कि दो दो मैगी, दो मैगी, दो नहीं। वंशु ने डंडा फेंक ही दिया आखिर में, पर उसने चप्पल नहीं दी। वो दीदी भी थक के बैठ गई, अनन्या भी बैठ गई। फिर दीदी ने पकड़ी, और दीदी ने पकड़ी, और फिर दीदी ने चप्पल निकाली। अब तो हमारे पास आ गई, अब नहीं देंगे हम चप्पल, अब दीदी ने फेंक दी। अब देखो आगे, मतलब उस दीदी ने एक चप्पल बचा पाई, और तब तक वो दूसरी चप्पल ले जाएगी। अभी देखना, अभी तो वो डंडे के पीछे पड़ी है कि डंडा नहीं, अब तो ये डंडा मेरा है, अब तो ये डंडा मेरा है। वंशु ने पकड़ा, और अनन्या ये बैठी है, दीदी ने ये दूसरी चप्पल भी वहीं पे फेंक दी। अब देखना, ये वंशु डंडे से खेल रहा है, और मतलब उसने एक दो सेकंड, देखो अभी जाएगी, और फिर उसके बाद उसका कुछ नहीं रहेगा। वंशु मैगी को देख रहा है, मैगी वंशु को देख रही है, वंशु मैगी को देख रहा है, दोनों का कोई रिएक्शन नहीं है। दीदी आती हैं, अब मैगी को भागने दो। अब मैगी भागी, सब लोग मतलब रेडी हो जाते हैं। अब मैगी इन सब को देख रही है कि अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ, अब किन के पीछे भागूँ। अब वो मतलब मैगी पे कुछ नहीं है, वो इधर उधर देखने लगी, और फिर उसके बाद वो जाकर बैठ गई। फिर वो एक बार आई, नहीं अब तो मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को दो चप्पल, मेरे को किसकी चप्पल चाहिए, मेरे को दो चप्पल। अब वंशु दीदी उन सबको देखकर कि अब मैं इन दोनों में से किसके पीछे भागूं। दीदी उससे कह रही है आजा आजा मैगी, आजा मैगी, आजा मैगी। पीछे से आ गई दीदी, अब उधर से बुला रही है आजा 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 मैगी। अब मैगी और पीछे से आ गई, मतलब वो ट्रैक्टर पे है ना, वो चढ़ नहीं पाती है मैगी। और देखो अब वो क्या होगा, अब वो वंशु के पास जाती है। वंशु कहता है नहीं, हम तो ऐसे खेलेंगे, हम तो डंडे से खेलेंगे, डंडे से खेलना है तो बता। मैगी आई, मैगी ने ले ली चप्पल। अब देखना चप्पल के संग ये खेल लाए। देखो उसने डंडे में अटकाई चप्पल, और मैगी कूदे, मैगी कूदे, और वो चप्पल मतलब बहुत मैगी कूद रही है, और वो चप्पल मैगी को मिल नहीं रही है। और मैगी मतलब इन दोनों का इतना इन्जॉय, मैगी इस चीज़ में इतना इन्जॉय कर रही थी कि पूछो नहीं। मतलब उसका वो खेलना इन्जॉय वाला फीलिंग उसकी काफ़ी हो रही थी। और वो वंशु बार बार ऊपर कर देता, बार बार नीचे ले आता, बार बार ऊपर कर देता, बार बार नीचे ले आता। यही इनका गेम चलता रहा कि बार बार उसको आगे पीछे ऊपर नीचे करना, और वो मैगी को उसके पीछे पीछे भागना कि ये तो अब मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरे को। और वो गिर गई एंड टाइम पे, मैगी ने ले ली मुँह में और फिर से वो उसने चप्पल नहीं छोड़ी। मैगी मैगी आगे, वंशु पीछे, मैगी आगे, वंशु पीछे। अब वंशु छीन रहा है नहीं, अब मैगी देखो बार बार वो छूट जाती है, और वंशु वो कर देता है, तो अब वो ले भी लेती है। और देखना अब वो चप्पल ले ली वंशु ने, मतलब बचा ली। अब वो फिर से करने लगा, और फिर से देखो मैगी आगे वंशु पीछे, मैगी आगे वंशु पीछे, फिर से ऊपर नीचे होने लगा। मैगी चप्पल के पीछे पड़ गई कि मेरे को तो चप्पल चाहिए थी। अब उसने दूसरी वाली चप्पल उठा ली, वंशु उसको बचाने में लगा तो उसने दूसरी चप्पल उठा ली।
बस यही होता था मैगी। अब आगे आगे भाग रही है वंशु उसके पीछे पीछे डंडा लेके भाग रही है, मैगी को चप्पल दे मेरे को चप्पल दे मेरे को चप्पल, वो भी नहीं दे रहा है। उसने पूरी छत पर घुमा दिया पर उसने चप्पल नहीं दी, थोड़ी मतलब वो नहीं, ये नहीं कि थोड़ी जगह रुक जाए आराम कर ले, नहीं वो भागती रही भागती रही। और वंशु थक कर वो अपना बैठ गया पर मैगी नहीं थकी, वो खड़ा हो गया। देखो वो थक कर इतना खड़ा हो गया पर मैगी नहीं थकी उसने चप्पल एंड टाइम तक भी। फिर हमारे जाने का टाइम हो गया, फिर हम लोग सब लोग नीचे चले आए क्योंकि शाम हो गई थी और फिर मैगी भी थक चुकी थी, उसका खाना वगैरह भी देना था, पेडिग्री वगैरह भी देनी थी। फिर हम मैगी को नहीं